बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नवंबर की 8 तारीख साल 2021 ईस्वी सन 1443 हिजरी, दो रबीउल सानी और दिन सोमवार। आप देख रहे हैं ऑल इन ग्लोबल न्यूज। मैं आपकी मेजबान रुफायदा मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर पेश करती हूँ मुकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियाँ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज शाया होने वाले बेशतर अखबारों की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के तेवर सख्त होने के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला, कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ वर्दियां नाकाबले बर्दाश्त करार दी गई। गाड़ियों में मास्क के बगैर सफर और ओवरलोडिंग की इजाजत नहीं होगी। नवंबर के पहले 6 दिनों में 660 कोविड मस्बत केस दर्ज, 8 मरीज अजान। कोरोना वायरस के केसों में एक मरतबा फिर उछाल, 165 नए अफराद वायरस में मुब्तला। जम्मू में महज 9 नए मामला जबकि कश्मीर में 155 केस दर्ज। शहर में कोरोना वायरस के योमिया मामलात में इजाफा, इतवार के रोज श्रीनगर में 80 से ज्यादा अफराद की रिपोर्ट मस्बत, लॉकडाउन के निफाज पर गौर किया जा रहा है। बटामालू में कांस्टेबल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, एसडी कॉलोनी और गर्दोनवा का मुहासरा, बंदूक बरदारों की तलाश। कुलगाम में फोर्सेज के गश्ती दस्ते पर ग्रेनेड हमला, धमाके से सनसनी इलाके में कशीदगी और तनाव। श्रीनगर हवाई अड्डे को बड़ा हवाई अड्डा करार देने का मरकज का फैसला, जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोग देने की जानिब अहम कदम। अवामी हलकों का इजहार इत्मीनान, टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता मुतालकी मुस्तकबिल से पुरउम्मीद। लोगों से छीना गया हक वापस देने से ही हालत बेहतर होंगे। बेचैनी तजबजब की कैफियत से लोग तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला, अरकान पार्लियामेंट। जम्मू कश्मीर में मुफ्त राशन की तकसीम कारी बंद, मरकजी सरकार की तरफ से हिदायत नामा मौसूल हुआ, डायरेक्टर महकमे अमूर सारफीन व तकसीम कारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान, लोगों को राहत की मुतरादिफ, ताजरों को राहत पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत पैकेज का ऐलान करे ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बर्फबारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार इकदाम उठाए, बिजली की आदम दस्तियाबी, पीने के पानी की किल्लत, तभी सहूलियात के फुकदान से लोगों को परेशानियों का सामना, पीडीपी लीडर सोफी। जम्मू व कश्मीर में नौजवानों की सलाहियतों को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आने वाले कल के दौरान नौजवान को ही जम्मू कश्मीर की लगाम हाथ में लेनी होगी, सलमान सागर। इराक वजीर आजम को कत्ल करने की कोशिश, रिहायशगाह पर ड्रोन हमले। अफगान ताजरों के लिए वीजा के अमल में आसानी पैदा करने की यकीन दहानी, चीन के सफीर। रॉकेट हमला फसाद, भड़काने की साजिश ईरान। इराकी पुलिस और मुजाहिरीन में चढ़पे, 2 शहरी हलाक, 125 जख्मी। हलाकतों और लोगों के जख्मी होने के वाके की तहकीकात शुरू कर दी गई है। बंगाल में जमहूरियत और आईन की बहाली के लिए जद्दोजहद होगी भाजपा। जनूबी कोरिया के जहाजों पर बहरी कजाकों के हमले में कमी। अफगानिस्तान की शिकस्त, हिंदुस्तान आलमी कप से बाहर। न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेटों से जीत गई, बोल्ट की तबाहकुन बॉलिंग से अफगान टीम के इरादे चकनाचूर। अफगान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बरतरफ, सेमीफाइनल में पाकिस्तान मुश्किल हरीफ, फाइनल में पहुंचने के लिए हमें दबाव से निकलकर खेलना होगा, ऑस्ट्रेलिया हेड कोच। इसी के साथ आज की सुर्खियां इख्तिताम पजीर होती है, दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।